हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ 7 स्टेप कटिंग। सो आप देख सकते हो मेरे क्लाइंट के हेयर बहुत ही लंबे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। सो इन्होंने मुझे बोला था कि आप 7 स्टेप करो, तो मैं आपको इसमें मिक्स बताऊँगी, मल्टी स्टेप में बताऊँगी आप लोगों को 7 स्टेप के साथ। तो सबसे पहले मैंने इक्वल कटिंग कर लिया है थोड़ा सा हेयर को। पहले आप थोड़ा ही हेयर को कट करो, बस इक्वल मैंने कट कर लिया। देन सबसे पहले हम क्राउन एरिया के पास सेक्शन को डिवाइड करेंगे। सो इनकी हेयर थोड़ी थिक है, आप देख सकते हो, तो आपको टाइम लग सकता है सेक्शन डिवाइड करने में। सो कोई भी पतली कॉम ले लीजिएगा और इस तरह से क्राउन एरिया के पास आप सेक्शन निकाल लेना। इसको आप किसी भी सेक्शन क्लिप की मदद से टाई कर लीजिएगा। सो आराम से धीरे धीरे ही आपको करना है। सो गाइस, आप देख सकते हो एक ओवल आकार का आपको दिखेगा, तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब हम इसे ट्राई कर देते हैं। देन अब हम एक एक करके स्टेप बनाएंगे। सो सबसे पहले आपको ईयर टू ईयर वाले पार्ट्स को फ्रंट में रख देना है और पीछे वाले पार्ट्स में आपको एक एक करके निकालना है स्टेप्स। सो सबसे पहले हम एक स्टेप को निकालेंगे, तो एक हेयर लेना है आपको सबसे पहले नीचे से, देन बचे हुए हेयर को आपको सेक्शन क्लिप की मदद से टाई करना है। सो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा गाइस, आप जब भी हेयर कटिंग करते हो आपका सेक्शन नीट होना चाहिए और लॉन्ग हेयर में ध्यान रखना है आपको सेक्शन का। तो इस तरह से थोड़े हेयर मैंने लिए और इसमें मैं लेयर्स बनाऊंगी। देखिए एकदम मैं इसे 90 डिग्री और 180 पे कट करूंगी सिंपली। तो जो पहले रफ हेयर थे मैंने उसको कट किए हैं इस तरह से, देखिए बस थोड़ा थोड़ा मैंने कट किया, ज़्यादा मैंने कट नहीं किया है अभी। बेसिकली आज जो हम पूरा हेयर कट करेंगे ना, वो हम 180 पे ही करेंगे, 180 और 90 पे। तो कुछ इस तरह से आपको हेयर को लाना है गाइस, एकदम स्ट्रेट इस तरह से, और आपको कटिंग करना इक्वली, जो भी आपके हैंड में आ रहे हैं ना, आपको जहाँ से लेयर्स देना आप उसको कट कर देना। देन इसको एक बार ऊपर पूरा ले जाइएगा एंड 180 पे भी कट कर देना, मतलब आप 90 पे भी कट कर सकते हो एंड 180 पे भी कट कर सकते हो। सो ध्यान से देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। देखिए मैं 2-3 बार कम से कम अच्छे से चेक कर लेती हूँ, और अभी थोड़ा स्लो मैंने वीडियो जान के किया था ताकि आपको समझ आए। अब देखिए हमने थोड़े से हेयर को पढ़ के और बस अब नोचिंग कर देना है आपको। तो ये वाला मैंने पार्ट आप लोग को स्लो इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ आए। अब इसी तरह से आपको थोड़े थोड़े हेयर निकालने हैं और सब में आपको कटिंग करना है। तो आप जब ऊपर से हेयर को निकालोगे इस तरह से देखिए, और जब हम उसे नीचे वाले हेयर से मिक्स करेंगे तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन हमारा गाइडलाइन है। तो नीचे वाला जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो हमारा गाइडलाइन होगा बाकी हेयर के लिए। सो टाई कर देना सिंपली आपको। देन देखिए अब आप जब कटिंग करने जाओगे ना, आपको खुद ब खुद दिख जाएगा छोटा वाला, ये देखिए, एंड देन ये एक्स्ट्रा लंबा बस कट। मैं क्या बोलती हूँ, जब भी आप हेयर कट करते हो ना, आप एक बात का ध्यान रखो, आपको गाइडलाइन पता होना चाहिए, यानी कि छोटा बाल दिखता है देन बड़ा, तो छोटे से बड़े को काटना है। ऐसा नहीं कि बड़ा आपको दिख रहा है फिर और छोटा कर देना ऊपर वाले को, क्योंकि हम इसमें 7 स्टेप बना रहे हैं, ये इसका 2nd स्टेप है। सो ये सब बात का ध्यान रखना है, और आपकी मर्जी, आप 90 और 180 किसी पे कर सकते हो। बेसिकली 90 180 अगर आपको नहीं समझ आता है, क्योंकि अगर आप पार्लर रन नहीं करते होंगे या फिर आप ब्यूटिशियन नहीं होंगे, बस नॉर्मल वीडियोस के थ्रू सीख रहे हैं, तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सो बस आप समझिए पूरे हेयर को आपको ऊपर ले जाना है एकदम, और आपको कटिंग कर देना इक्वली और नोचिंग। तो देख लीजिए अब हम दूसरा स्टेप निकाल रहे हैं। इसी तरह एक एक स्टेप निकालती जाऊंगी और नीचे वाले हेयर से मिक्स करती जाऊंगी, एंड देन सबको कट करूंगी मैं 180 पे। अब मैं 180 पे ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, इस हमें ईजी पड़ता है। देखिए छोटा बाल और ये सारा लंबा बाल था, घबराने वाली बात नहीं है, ज़्यादा लेंथ छोटी नहीं होगी, ऊपर से बड़े लेयर्स बनता जाएगा। सो कुछ भी नहीं है ये वाला हेयर कट, में मुझे लगता है सबसे ईजिएस्ट हेयर कट होता है गाइस ये सब। 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, आप 10 स्टेप भी दे सकते हो, तो मुझे नहीं लगता है ज़्यादा ये सब टफ होता है। अगर आप हेयर कट एक बार सीख जाओगे ना, तो आराम से कटिंग कर लोगे। तो धीरे धीरे एक स्टेप निकालना है एंड कटिंग करना है 180 पे। आपको खुद ब खुद जब आप ऊपर पूरे हेयर को ले जाओगे एकदम ऊपर, ठीक है ना, देन आपको दिख जाएगा छोटा बाल, उसे मिला के एक्स्ट्रा लंबे बालों को कट कर दीजिए। और हाँ गाइस, आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो एक बार मेरे चैनल के वीडियोस को चेक कीजिए, कटिंग की वीडियोस को तो खास करके, क्योंकि आपको मेरी कटिंग की वीडियोस बहुत पसंद आती है। मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा व्यूज़ आता है हेयर कटिंग वाले वीडियोज़ में, तो उसके लिए थैंक यू। क्योंकि मुझे पता है बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियोज़ को देख लेते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोज़ को देखते हैं।
सो गाइज, ईयर टू ईयर वाले पार्ट्स को आपको किस तरह से कट करना है, पीछे वाला थोड़ा पार्ट लेना है उसको ईयर टू वाले में मिक्स किया मैंने एंड कट। आपको लंबा बाल तो दिख ही जाता है, तो एकदम इजी वाला हेयर कट है। देखिए यहाँ पे भी ये लंबा बाल था कट, बस छोटे से बड़े बाल को कट करते जाइए, बस हो गया। धीरे धीरे इसी तरह से मैंने सारे स्टेप को बनाए हैं, 1 2 3 4, आपको जितना हो सके आप उतने स्टेप बना सकते हो इसमें। अब इधर से हम एक सेक्शन लेंगे, इसको भी जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आप टाई कर दीजिए और सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है आप कट करो। और थोड़ी लंबी हेयर है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पेशेंस के साथ कीजिएगा। और मैं बोलूँगी आप सारे हेयर को 180 पे ही कट करना, इससे क्या होगा आपको गाइडलाइन भी पता चलेगा और ईजी भी रहेगा। देखिए इसे 90 बोल दे, ये थोड़ा नीचे करके जब हम काटते हैं ना स्ट्रेट, इसे 90, और जब पूरे ऊपर को ऊपर ले जाते हैं ना एकदम, देखिए ये रहा, मतलब होता है ना एकदम जैसे होता है ना हम कॉम करते, देखिए इस तरह से, बस इसे हम 180 बोलते हैं सिंपली। और आपको लेयर्स दिखता जाएगा, हम ना स्टेप जब भी कट करते हैं ना उसमें हम लेयर्स जरूर थोड़ा बहुत देते हैं। इसी तरह स्लोली स्लोली आपको पूरे हेयर को कट कर लेना है। और हाँ गाइज, मैंने ना अभी अपने चैनल पे गिव अवे किया है, तो आप उस गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट ले। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक करें Q&A वाले, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि आप में से कोई एक विनर हो सकता है जिनको मैं गिव अवे में गिफ्ट दूंगी, आई शेडो पैलेट, शेडिंग स्प्रे, हाईलाइटर। सो अगर आपको नहीं पता है कि मैंने गिव अवे रखा है, तो मैं एक बार जरूर चेक करें प्रीवियस वीडियो को, तो आपको समझ आ जाएगा और आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो देखिए इधर भी ये सारा एक्स्ट्रा हेयर था कट, बस सिंपली धीरे धीरे मैंने यही किया है और कुछ भी नहीं था। और गाइस मैंने ना इनके हेयर को शेड नहीं किया, क्योंकि आप देख सकते हो विदाउट शेडिंग भी पता चल रही है सारे स्टेप्स या फिर लेयर्स, तो इस वजह से भी, और इनको लेट भी हो रहा था और कुछ रीज़न था इस वजह से। सो ये रहा फाइनल रिजल्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।